प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। थोड़ा सा आसमान। अमित मामा, यू डोंट नो इसके क्या क्या ड्रीम्स है मामा। सब हवा में। ग्रीस जाएगी, स्पेन जाएगी। मामा फेंकने में तो ना ग्रेट है ये, ग्रेट। मैं फेंक नहीं रही हूँ, समझे? हाँ, तू देखते रहना, मैं एयर होस्टेस बनूंगी, अपने पैरों पे खड़ी रहूंगी, और तू इस मशीन के साथ टिंग टोंग 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 करते रहना। एंड मी, आई विल बी फ्लाइंग हाई माय डियर। मैं बात कर रही हूँ। स्टॉप इट नशी, स्टॉप दैट नैगिंग ऑफ योर्स। किट 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 शाम से शुरू हो तुम। सब कुछ घर बैठे आसानी से मिल जाता है ना तुमको, उसी लिए सारा आसमान पे चढ़ा हुआ तुम्हारा। क्या मिल जाता है, क्या आसानी से मिल जाता है? सुबह से शाम तक यही ये घिसी पिटी रूटीन है। ये किचन है, वो बेडरूम है, ये दरवाजा है, दिस गॉडडैम फोन। मुझे मेरे अपने लिए, सिर्फ अपने लिए सिर्फ 10 मिनट चैन के मिले कभी घर में। अभी इस उम्र में जाके आपको इतनी भागदौड़ करने की क्या जरूरत है? अब हमें बताइए, इतना खूबसूरत घर है, प्रीति की शादी हो गई, उसके बच्चे हैं, बॉबी भी कनाडा में सेटल हो गया, अब हम बुड्ढा बुड्ढी को और काम करने की क्या जरूरत है? पैसों की भी जरूरत नहीं है। और अगर आप मेरी माने तो आप काम छोड़ दीजिए। अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो बहुत जल्दी मर जाऊंगा। जी, जाते वक्त ऐसी कोई आशीर्वाद करता है, संभाल कर जाइए। थोड़ा सा। हेलो प्रीति बेटा, मेरी झुमकी कैसी है? अभी भी बुखार है? वो दुशांदा नहीं पिला रही हो क्या उसको? अरे भाई बुखार है, 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, और वो गोलियां वोलियां मत देना उसको। टेलीग्राम। टेलीग्राम? टेलीग्राम? अरे बेटा कोई तार आया है, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। ओके। हाँ जी। श्याम सुंदर जोशी। थैंक यू। मिसेस जोशी एक्सपायर्ड, कम इमीडिएटली। ये किसके लिए ताल लाए हैं आप? श्याम सुंदर जोशी, साइन कीजिए। श्याम सुंदर जोशी, मिसेस जोशी एक्सपायर्ड, बट आई एम मिसेस जोशी। थोड़ा सा आसमान, थोड़ा सा आसमान, थोड़ा सा आसमान, थोड़ा सा आसमान, थोड़ा सा आसमान। एक लंबी सांस हो, एक आसमान, एक आंच दर्द की और
सुन मैं लेट मी ट्राई ओके मैं महेश को फोन करके आई कॉल यू बैक ओके ऑल राइट हेलो हाँ महेश हाय क्या हो रहा है लिसन आज कैन यू डू मी अ फेवर हाँ बोलो बोलो आज जरा जल्दी घर आ सकते हो मेरी वो दोस्त है ना उमा माय स्कूल फ्रेंड वो आई हुई है लंदन से और एक ही दिन के लिए यहाँ पर अभी मीता का फोन आया था वो दोनों मुझे पिक करने आ रहे हैं 6 बजे जरा जल्दी आके मनु को देख लो ना यस स्वीटहार्ट एनीथिंग फॉर यू मैं आधे घंटे में फ्री हो रहा हूँ एंड देन आई विल लीव सुनो थोड़ा जल्दी आ जाना 4:30 तो ऑलरेडी बज रहे हैं तुम बोलो तो अभी निकल जाता हूँ अच्छा देखो खाना बना के मैं हॉटकेस में रख दूंगी और रायता और सैलेड वो फ्रिज में रखा होगा जरूर खा लेना अच्छा वो मनु के डायपर्स मालूम है ना कहाँ है हाँ वो नीचे वाले ड्रॉअर में होते हैं यस यस ओके और 8:30 बजे मनु को दूध की बोतल दे देना और डोंट वरी वो पीते पीते अपने आप सो जाएगा आई'ल डू दैट ओके यू हैव अ नाइस टाइम ओके एंजॉय योरसेल्फ ओके थैंक बाय बाय सी यू बाय यप्पी भाई चल जल्दी कर जल्दी जल्दी आज तो बहुत छानदेस था भाई साहब के साथ घूमने को जाता है क्या नहीं भाई मेरे स्कूल की सहेली आई है लंदन से पता है हम 15 साल के बाद मिलने जा रहे हैं सुन तो जल्दी कर ये तू बर्तन धो ले और साहब आज जल्दी कराने वाले आगे करता आगे ये सब उठा जल्दी कर What a long time. You look great. कितने साल हो गए कैसी है तू बनाशी तू बिल्कुल बदली नहीं एकदम वैसी की वैसी है देख कितने सालों बाद तुझे ढूंढ निकाला यू नो आई स्टिल कांट बिलीव यू आर एक्चुअली हियर अरे भाई हमें भी देख लीजिए माना के लंदन से नहीं आए अरे यार तू तो इधर ही है मेरे पास ही चल कम इन नाशी वेयर इज योर बेबी बोरा ओ माय What a beautiful baby! ये तूने पैदा किया? You sure? Go baby. कहाँ है तेरे पति देव? आ रहे, आ रहे, आ रहे. देखूं तो किस बंदे ने फंसा लिया तुझे? याद है मीता? ये कितना कहती थी कि कभी शादी नहीं करूंगी? अरे. बस सिर्फ थिएटर ही करना है. ये सब मीडियोकर बातें. आ गई ना बच्चों लाइन पे ओ बेबी वेयर इज महेश बस आने वाले हैं महेश आई नहीं अभी तक हां 5 बज गए मुझे जल्दी जाना है पता सत्यम सिनेमा से रीटा को पिकअप करना है चलो जल्दी चलें पर महेश के बिना इसको छोड़ना कैसे होगा महेश को फोन करके पूछ लो वो निकला कि नहीं अच्छा एक सेकंड मैं फोन करके इजंट ही सो क्यूट बेबी जस्ट लाइक हर कम ऑन लेट्स गो हेलो शीला हाँ महेश है निकल गए ना कितनी देर हुई निकले ओके ऑलराइट आधा घंटा हो गया ओके थैंक यू अरे बस फिर ठीक है ना हाँ. चलो हम चलते हैं महेश के आने तक बाई संभाल लेगी मनु को बाई ठीक है संभाल लेना अच्छा. अरे बाई संभाल लेगी पक्का संभाल लूंगी ना बाई आप जाइए ना अच्छा
एक सेकंड, अच्छा मनु के पास बैठ रहना, वहाँ टीवी चालू करके नहीं बैठ जाना, एक सेकंड, यू डोंट नो हर, कम ऑन, लेट्स गो, बाय, ओके, चलो 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 चलो, चलो ट्वेंटी इयर्स, बीस साल होने लगे, स्कूल की लाइफ कितनी अच्छी थी यार, क्या वो दिन कभी वापस नहीं आ सकते? सच यार, लगता नहीं एक जमाना गुजर गया जैसे। उमा, मैं याद है वो सिस्टर जी सिंह का, उसने कॉन्वेंट छोड़ के शादी कर ली। Imagine, no. yes, really, right. I don't believe it. वो सबसे स्ट्रिक्ट नन थी। और उसके सामने, you can't talk about the boys. Tell me, उमा, एक एडल्ट फिल्म, जो पहली एडल्ट फिल्म स्कूल से भाग के देखी थी, तू मत बोलना। Tell me, tell me. He went out, oh, for राना सुल्तान थी ना? It was Chetna. Yes, that's right. उस एक फिल्म के लिए हम लोग ने कितना ड्रामा किया था, याद है? साड़ियां वाड़ियां पहन के शर्मिला टैगोर की तरह बुफॉन, वी मस्ट लुक लाइक क्लाउन्स, वी डिड उस टाइम के लिए कितनी शॉकर थी, और हम लोग कितना प्रिटेंशियस तरीके से कितनी डिस्कशन करते थे। ज्योति भी थी ना अपने साथ, चलो हां the four of us, जी की तो सारी प्रॉब्लम थी, याद है उसका भाई पीछे वाली रूम में बैठा था। अरे डू नो बट ज्योति, उमा तुझे पता चला उसके साथ क्या हुआ? नो, व्हाट? वो लड़का था ना विजय, एफओस में जो था उसका बॉयफ्रेंड, ही वाज क्रेजी अबाउट हर, यू नो ही डाइड इन एन एयर क्रैश। नो, और सिर्फ 3 महीने उसकी शादी को हुई थी तब, एंड शी वाज प्रेग्नेंट। ओह, फिर बस यार, फिर बड़ी हिम्मत की उसने, उसने तय किया कि अबॉर्शन नहीं करवाएगी और दोबारा शादी भी नहीं करेगी। अभी भी है वही स्कूल में पढ़ाती, अब तो काफी बड़ी भी हो गई उसकी बेटी। विजय तो उस पे जान देता था ना? That's not fair. इतनी लंबी जिंदगी अकेले गुजारना, it's a long life. अरे यार, जिंदगी में फेयर अनफेयर कुछ नहीं होता, जिसके हिस्से में जितना होता है ना, उसको उतना ही मिलता है। ये तू कह रही है नाशी? You always used to challenge life. Huh? अरे छोड़ो यार, तुम लोगों ने तो मुझे भी डिप्रेस कर दिया। छोड़ो मत, तू अपनी सुना। यार तूने अपने मियाँ जी के बारे में तो मुझे कुछ बताया नहीं। तूने कैसे शादी की, कब की, किससे की? I don't know anything. तुझे पता नहीं क्या? सुनेगी तो गश खा जाएगी। याद है वो राहुल? राहुल, राहुल वो स्कूटर वाला राहुल जो इसके आसपास चक्कर काटा करता था स्कूटर में, वो राहुल? वही राहुल। क्या हुआ उसे? क्या हुआ? इन्होंने उससे शादी कर ली, she married him. No, he's my husband. I've got 2 kids. I don't believe this. Oh God, जिसे इतना चिढ़ती थी उसी से शादी कर ली। ऐसा ही होता है ना हिंदी फिल्मों में, पहले यू फूल यू इडियट, उसके बाद आंखों में आंखें डाल के। ऑल दैट, बस कुछ मत पूछ नाशी, इट जस्ट हैपेंड। रियली? वो लंदन चला गया, वहाँ सेटल होने के बाद वापस दिल्ली आ गया, एंड सीरियसली प्रपोज किया तो बस फिर आपकी छुट्टी हो गई, राइट? छुट्टी हो गई। लवली। नहीं यार, बहुत बदल गया था, बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, एंड बहुत जिद्दी तो था ही। हाँ, और इस बार तू उसे रेजिस्ट नहीं कर पाई है ना? राइट। अरे छोड़ यार, ये रेजिस्ट तो उसे कभी भी नहीं कर पाई थी, वो तो हम लोगों को उल्लू बनाने के लिए ड्रामा लगा के जाता था। अच्छा, उसी बात पे एक आइसक्रीम हो जाए। या गो, हो जाए। कैसी है? अच्छी हूँ। तू? नाशी, वो क्या लाइंस थी जो लिखी थी? चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे, पैदल चले कुछ ना कहे। तुझे याद है? तुझे याद है? हाँ, अपनी अपनी तन्हाइयाँ लिए, सवालों के दायरों से निकल कर रिवाजों की सरहदों के परे, हम यूं ही साथ चलते रहे कुछ ना कहें।
तुम अपने माजी का कोई जिक्र न छेड़ो, मैं भूली हुई कोई नज्म न दोहराऊं, तुम कौन हो मैं क्या हूँ इन सब बातों को बस रहने दे कुछ न कहे चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चले। मेरी शायरी छूट गई, क्यों? बस ऐसे। अरे वाह, क्या टाइमिंग है, एक बरसात की कमी थी वो भी पूरी हो गई। आइसक्रीम तो मिली नहीं, ये लो मूंगफली खाओ। तुम लोग के चेहरे इतने लटके हुए क्यों है, हाँ क्या चल रहा है नाशी? नहीं कुछ नहीं चल रहा है यार, मैं इसको इतने सालों के बाद मिली हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन क्यों छूट गई तेरी शायरी? तूने थिएटर क्यों छोड़ दिया? एक फैट कंटेंटेड हाउसवाइफ बनने का सपना तो मेरा था। यू वांटेड टू डू सो मच विद योर लाइफ, उल्टा हो गया। मैं वहाँ जॉब भी कर रही हूँ और घर का सारा काम भी संभालती हूँ, और तुम लोग यहाँ ऐश की जिंदगी जी रहे हो। अरे ऐश तो सिर्फ ये मीता कर रही है, बड़े मजे की लाइफ है इसकी। मैं तो कहती हूँ जॉइंट फैमिली में रहना ही सबसे बेस्ट है, घर का सब काम अपने आप हो जाता है। सब बच्चे स्कूल जाते हैं, कौन लेके जाता है, कब वापस आते हैं, कौन लेके आता है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। घर में सासू है, ननद है, आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट। सब पे रोब झाड़ती है, इनके मियाँ जी तो इनकी मुट्ठी में है। Don't be mean, yaar. Nashi, tell me, what's Mahesh like? ठीक है, he's nice. ठीक है? बड़ा charming है यार, एक दिन उगती तो मिलके जाती। He's such a sweetheart. Nashi, Nashi. महेश क्या बात, सोए नहीं अभी? You are the most irresponsible, self-centered, selfish woman I've seen in my life. क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? 5-10 मिनट का इंतजार नहीं हो सकता था आपसे। जब मैं घर में आया हूं, मनु अंदर बेडरूम में दहाड़े मार मार के रो रहा था और आपकी बाई बैठ के टीवी देख रही थी। लेकिन जब मैं गई तब तो मनु जस्ट शट अप।
so blue. Sugar is sweet, and so are you. To dear Nashi, love, Uma.